ओम शांति। बाबा की साकार मुरली है, मार्च 2, 2024। बाप दादा मधुबन प्रातः मुरली है। शिव बाबा के महावाक्य, मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। बाबा कहते हैं नॉलेज कैसी है, शांति की है। शांति धाम जाना, कैसे बनकर जाना है, शांत बनकर जाना, मतलब आत्मा समझेंगे तो आत्मा का धर्म जो है शांति ऑटोमेटिक याद आएगा। इसलिए बाबा कहते बोलना नहीं, दूसरी जगह पे क्या है, नाचना गाना बोलना सब कुछ, बाबा के वहाँ क्या है, सिर्फ बाबा सुना रहे वो ही सुनना है, दूसरा किसी का नहीं सुनना है। प्रश्न है उन्नति का आधार क्या है, बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे। उत्तर है उन्नति का आधार है लव माना प्यार, इसे एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। नजदीक रहते भी उन्नति नहीं होती तो जरूर लव की कमी है। बाबा के सामने रहते या तो घर पर रहते मगर याद में नहीं रहते, मतलब नज़दीक रहना मतलब याद में रहना, फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं है। लव हो तो बाप को याद करे, याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। कब धारण कर सकेंगे, याद करेंगे तब। दूसरा उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो, याद करने के लिए चार्ट लिखो। बाबा कहते चार्ट में हर रोज पॉइंट आते, कितना समय याद करते हैं तो क्या होगा, रिमाइंड होता रहेगा हर रोज। तीसरा बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं, है ना, जिससे सच्चा प्यार होता है उससे कोई बात छिपाते नहीं। आत्मा अभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो, सुधारने के लिए आत्मा अभिमानी बनना बहुत ही जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं उन्नति का आधार है बाप से प्यार। और धारण कब कर सकेंगे, धारण बाबा की शिक्षाओं को, जब बाप से सच्चा सच्चा प्यार होगा, प्यार से याद करेंगे, चार्ट लिखेंगे, कोई भी बात छुपाएंगे नहीं और आत्म अभिमानी बनने का प्रयत्न करेंगे तो बाबा से प्यार रहेगा, बाबा की शिक्षाओं को धारण कर सकेंगे। ओम शांति। बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। बाबा आते ही सोल कॉन्शियसनेस याद दिलाता है। बाबा पूछते हैं जब भी कहाँ सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या देह। बाबा कहते कहीं भी लेक्चर रखे हो, चाहे बीके चाहे नॉन बीके, बाबा कहते घड़ी घड़ी, बाबा भी घड़ी घड़ी सुनाता है उनके बच्चों को, तो भी आत्मा समझते हो या देह। अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठो। कैसे बैठना है बाबा सब कुछ सिखाता है। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो, और जब तक आत्मा नहीं समझेंगे तब तक देह में फंसे रहेंगे तो बाप याद आएगा ही नहीं, क्योंकि बाप कोई देहधारी नहीं। इसलिए बेसिक कंडीशन है आत्मा समझना। हमने जो भी दीवारें खड़ी की है सबको गिरा देना, बीच में जो हमने डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करे किए हैं धर्म के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, या तो जो भी, वो सबको भुलाना है, और वो भुलाएंगे तो ही बाप याद आएगा। बाप को याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, इसको योग अग्नि कहा जाता है। बाबा योग अग्नि की डेफिनेशन देता है, योग अग्नि माना विकर्म विनाश। विकर्म विनाश का मतलब ये नहीं है कि हमने जो विकर्म किए हैं वो सामने नहीं आएंगे, सामने जरूर आएंगे, मगर क्या होगा, हम ऐसे मजबूत हो जाएंगे कि कभी भी उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, वहाँ ही सेटल कर देंगे प्यार से। इसको कहते हैं विकर्म विनाश होना। बाकी कर्म का प्रिंसिपल है, कोई भी कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही,
अच्छा का अच्छा, बुरा का बुरा। तो योग अग्नि से सेटल करना है, विकर्मों को खत्म करने का दो ही रास्ता है, एक है योग अग्नि से, दूसरा सजाए खाकर। इसलिए बाबा कहते हैं प्यार से, प्यार से है योग अग्नि से खत्म करना, या तो मार से। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है दुनिया में। साधु संत कितना प्रयत्न करते हैं पूरी जिंदगी भर तो भी परिवर्तन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि कनेक्शन नहीं है पावर हाउस के साथ। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करने से पाप कटेंगे, पाप कटेंगे तो पावन बनेंगे, वरना कैसे बनेंगे? फिर तो मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे, पहले मुक्ति बाद में जीवन मुक्ति। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर, सभी को, चाहे लास्ट जन्म में आने वाली आत्मा जब आती है तो कंप्लीट सत्व प्रधान है। पावर ऑफ सत्व प्रधानता जो है अलग अलग, पावर ऑफ प्योरिटी अलग अलग है। देवता जो बनने वाली आत्मा उनका पावर, और अंत में आने वाली आत्मा उनका पावर, काफ़ी अंतर है। मगर है सत्व प्रधान, सबको सत्व रजो तमो से पास होना ही है। तो घड़ी घड़ी यह कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। बाबा कहते जब कहीं भी भाषण देते हो तो बाबा कहते खास बार बार याद दिलाओ, रिमाइंड करो। यह फरमान बाप ने ही दिया है ना, हम कोई नहीं कहते हैं, हमें तो निमित्त बनकर कहना और बार बार याद दिलाना है। ये फरमान ऑर्डर हमारा नहीं, हम तो खाली निमित्त है आपको सुनाने के लिए। यह है याद की यात्रा। बाबा याद की यात्रा की डेफिनेशन देते हैं, खुद भी आत्मा समझे, दूसरों को भी आत्मा समझे और परमात्मा की याद दिलाए। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, यह घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब समझेंगे कि आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। बार बार रिपीट करेंगे तो अंदर जाएगा, नहीं तो अंदर जाता ही नहीं। बाबा ने हमको कितने सालों से समझा रहे तो अभी नहीं जाता है ना अंदर भी पूरा। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार, अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पार्ट बजाय एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा जैसा जैसा कर्म बंधन वैसा वैसा जन्म उनको लेना ही है। एक शरीर छोड़कर अपना कर्म बंधन चुक्त करने के लिए दूसरे शरीर में जाना ही है, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है। खुद बाबा को इस दुनिया में आना पड़ता है तो हमको तो आना ही पड़ेगा, सबको अपने अपने कर्म के बंधन के अनुसार। आत्मा का स्वधर्म तो शांति है, वह अपने स्वधर्म को ही स्वधर्म को भी नहीं जानते, दुनिया को पता ही नहीं। वो तो अपने देह के धर्म को अपना धर्म मान लेते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, मूल बात यह है। तब कहते ज्ञान का सारा तंत्र सार एसेंस यही है, दूसरा कुछ नहीं। पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है। कौन सी मेहनत? आत्मा समझकर बाप को याद करने की। बेहद का बाप आत्माओं को कहते हैं इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं वेरी इजी नॉलेज, बाबा कोई शास्त्र पढ़ता नहीं है, सुनाता नहीं, तो शास्त्रों का जो पूरा सार है, सार में से ही शास्त्र बने हैं। बाबा ने जो अभी सुनाया उसके आधार पर ही हर धर्म के शास्त्र बनते हैं। इसलिए बाबा को शास्त्र को टच करने की भी जरूरत नहीं, वो तो ज्ञान का सागर है, नॉलेज फुल है, फुल ऑफ नॉलेज है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तुम गीता का मिसाल देते हो तो भी कहते हैं तुम सिर्फ गीता उठाते हो, वेदों का नाम क्यों नहीं लेते? बाबा वेदों के बारे में नहीं कहते, गीता के बारे में, क्योंकि उसने गीता सुनाई थी
उसके आधार पर हमने वेद उपनिषद शास्त्र बनाए, चार वेद, 10 उपनिषद और 18 पुराण। किसके आधार पर है? पूरे के पूरे गीता का मतलब बाबा का ज्ञान के आधार पर। इसलिए बाबा बार बार गीता की बात करता है। दूसरा तो सब क्या है, बाबा कहते हैं उनकी ब्रांचेज जैसे गीता ही माई बाप है। बाबा ने कहा उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है, क्योंकि धर्म शास्त्र क्या है? गीता है। वेद से, रामायण से, महाभारत से जो भी बने हैं शास्त्र, उनसे कोई धर्म स्थापन नहीं होता। धर्म शास्त्र सिर्फ एक ही है, गीता, जिससे पूरा का पूरा देवी देवता धर्म स्थापन हो जाता है। कहते हैं आर्य धर्म का, कोई कहते हैं आर्य धर्म का वेद। आर्य किसको कहते हैं? तो पूछो आर्य किसको? हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन तो है ही देवी देवता धर्म, फिर आर्य कौन सा धर्म है? आर्य समाजियों का धर्म होगा। आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है, कहीं भी कोई भी वेद या शास्त्र उठा लो, कहीं भी आर्य नाम नहीं है। आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है, आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। सुनो बाबा क्या कहता है, क्योंकि डिवोशनल गीता है, भक्ति मार्ग की गीता है। पहली बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। क्योंकि बुलाया है क्यों? पतित पावन, आओ पतित से पावन बनाने के लिए, मतलब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए। तो वही तो मुख्य उनका कार्य है जिसके लिए हमने उनको बुलाया है बाबा को। इस समय सब है तमो प्रधान, बाबा कहते एक भी सतो प्रधान नहीं। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, महिमा भी बाप की करनी है। यह भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते होंगे। अब अगर प्रैक्टिकल लाइफ नहीं होगी तो इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी, जो हम कहते हैं उनकी तो सेवा भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते पहले पहले अपने में लाना। इस बात की बच्चों में कमजोरी है, अभी भी बाप की याद में बच्चे क्या है? कमजोर है। और हम भी अपने चार्ट से कह सकते हैं कि ज़्यादा याद की यात्रा बढ़ती नहीं, अपना चार्ट देखो तो पता चल जाएगा। बाबा हमेशा कहते हैं याद की यात्रा का चार्ट रखो, दिल से हर एक पूछे हम कहाँ तक याद करते, किससे पूछे? अपनी दिल से, सच्ची दिल से। तुम बच्चों के दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए, तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। इसको इनर पीस, इनर हैप्पीनेस कहते हैं, जो दिखाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक झलकती है, बाबा कहते हैं। पहली मूल बात यही कहना है कि भाइयों और बहनों अपने को आत्मा समझो। बाबा बार बार आज रिपीट कर रहा है कि कहाँ भी लेक्चर या तो कहीं भी समझाते हो तो बार बार आत्मा, ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे। इवन गीता का सत्संग होगा तो भी नहीं, इतना बाबा जितना कहता है इतना कोई सत्संग में कहते नहीं है। वास्तव में सत्संग कोई है नहीं, हम कहते वास्तव में सत मतलब गॉड, ट्रुथ, उसका संग कोई है ही नहीं। सत का संग एक ही है, बाकी है कुसंग, जो अभी ही होता है संगम युग पर, बहुत ही थोड़े समय के लिए, पूरे 5000 वर्ष का साइकिल में। बाकी सब बाबा कहते हैं कुसंग, मन मत पर मत का संग जो है ना, वो सब है कुसंग। यहाँ है बिल्कुल नई बात, बाबा जो जो बातें सुनाते हैं है ना, कम से कम 12 पॉइंट ऐसी है जो शास्त्र में कहीं भी दिखाई नहीं है, कोई कनेक्शन का पता ही नहीं है। और कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं बाबा भक्ति और ज्ञान का, भक्ति में क्या क्या कॉन्ट्रास्ट हमने रखा दिया, सब कुछ बाबा समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह है बिल्कुल नई बात, वेदों से कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं तो हम वेदों को क्यों उठाए, कोई में भी यह नॉलेज है नहीं। खुद ही कहते हैं नेति नेति अर्थात हम नहीं जानते हैं, शास्त्र में भी लिखा हुआ नेति नेति,
परमात्मा को या तो उनकी रचना को, रचता और रचना को, नेति नेति हम नहीं जानते वो कौन है और कैसे क्रिएट करता है। क्रिएशन की बात नहीं, बाबा कहते ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है पूरी की पूरी, नई कोई बात होती नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं नेति नेति, तो वास्तव तो नास्तिक हुए ने, बाप को नहीं जाने दो। बाबा कहते नास्तिक ईश्वर को, भगवान को, खुदा को, अल्लाह को न जाने दो। अब बाप स्वयं कहते हैं आस्तिक बनो, अपने को आत्मा समझो। यह बातें गीता में कुछ है, वेदों में है नहीं। वेद उपनिषद तो ढेर है, अब किस धर्म का शास्त्र, इतना हमारे पास वेदों का डीप ज्ञान है, इतने शास्त्र है कि हम तो कुछ नहीं जानते, तो 1/4 भी नहीं जानते, 1/4 में भी 1% हार्डली जानते, बहुत ही डीप है। 3/4 तो पूरा का पूरा कर्म कांड है, 1/4 ही ज्ञानम है, बाकी सब कर्म कांड है जो धीरे धीरे करके लुप्त हो गया पूरा का पूरा। मनुष्य तो अपनी बातें करते हैं, तुमको किसका भी सुनना नहीं है। बाप तो सहज समझाते, सुनना तो किसका सुनो, बाप का दूसरों का नहीं। तो बाप सहज समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, कंडीशन है। याद नहीं करेंगे तो पावन बन नहीं सकते। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना, मतलब चक्र को पूरा। तुम्हारा त्रिमूर्ति गोला है मुख्य, इनमें सब धर्म आ जाते, त्रिमूर्ति और गोला। पहले पहले है देवी देवता धर्म, गोला जो है अपना वर्ल्ड साइकिल जिसको कहते हैं, तो साइकिल ऑफ टाइम कहते हैं, जो भी नाम कहे, क्योंकि सब धर्म उसमें आ जाते हैं। सीढ़ी का चित्र लेंगे तो दूसरे धर्म नहीं आते, इसलिए बाबा कहते हैं गोला में पहले पहले है देवी देवता धर्म, जिसको दूसरे धर्म वाले एंजलिक रिलीजन कहते हैं। बाबा ने कहा है क्या, त्रिमूर्ति गोला बड़ा बड़ा बनाकर दिल्ली के मुख्य स्थान पर, जहाँ आना जाना बहुत है वहाँ लगा दो। बाबा देखो ग्रेटेस्ट मार्केटिंग टेक्निक बता रहा, टिन शीट पर हो कैसे कहाँ लगाना है वो भी बाबा बता रहा, कैसे बनाना है। सीढ़ी में तो और धर्मों का नहीं आता है, सीढ़ी में सिर्फ हिंदुइज्म, कैसे देवता गिरे और गिरने के बाद शिव की पूजा, बाद में राधे कृष्ण की पूजा, बाद में शास्त्र बने, बाद में लक्ष्मी नारायण, बाद में राम सीता, पूरा का पूरा किसका पूरा का पूरा वर्णन है, हिंदुइज्म का। दूसरे धर्म नहीं आते उसमें, जब उसके सामने गोला और झाड़ देखो सब धर्म अंदर आ जाते। इसलिए बाबा कहते हैं मुख्य ये दो चित्र, उसमें गोला बाबा की बात कर रहे हैं और त्रिमूर्ति। पहले है बाप का परिचय, त्रिमूर्ति में ऊपर बाप, बाप से ही वर्षा मिलता है। इस बात का निश्चय कराने बिगर तुम्हारा कुछ भी कोई समझ नहीं सकेगा। जब तक बाप का निश्चय नहीं है कि उनसे वर्षा मिलता है, तब तक बाबा कहते कुछ नहीं समझ सकेंगे। एक बाप को ही नहीं समझा है तो दूसरों चित्रों पर ले जाना ही फालतू है। अलग को समझने बिगर कुछ भी समझेंगे नहीं, अलग मतलब बाबा अल्लाह, बाप के परिचय बिगर और कोई भी बात न करो। और बाबा के परिचय में 5 क्राइटेरिया है, जिसके आधार पर हम अपना भी परिचय देते हैं, उनका रूप क्या है, नाम क्या है, धाम क्या है, कहना रहता है, मतलब उसकी क्वालिटीज़ क्या है और कर्तव्य क्या है। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है, बाबा ख्याल करता है ऐसी सहज बातें क्यों नहीं समझते। तुम्हारी आत्मा का बाप वह शिव है, उनसे ही वर्षा मिलता है। शरीर का बाप से शारीरिक संपत्ति का वर्षा, स्थूल निराकारी बाप से फ्यूचर का वर्षा, अपनी आत्मा की क्वालिटी चेंज हो जाएगी तो ऑटोमेटिक सत्युग की बादशाही मिलेगी। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो, जब इस बात को भूलते हो तब तमो प्रधान बन जाते। ऐसे ही द्वापर से वाम मार्ग में गए, भूल गए कि आत्मा आत्मा भाई भाई, आत्मा का लेसन चला गया, देह बान आया, तब से तमो प्रधान धीरे धीरे। अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे, रिवर्स करना है पूरा का पूरा। और उनका प्राइमरी कंडीशन आत्मा समझना है, आत्मा अभिमानी बनना मतलब देवता बन जाना।
मूल बात है ही रचयिता और रचना को जानना। कोई भी जानते नहीं, ऋषि मुनि भी जानते नहीं थे, जो आगे बाबा ने बताया नेति नेति कहते थे। तो पहले बाप का परिचय दे, सबको आस्तिक बनाना। बाप कहते हैं क्या, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, मुझे नहीं जाना तो कुछ भी समझेंगे नहीं। कितना भी समझाओ मुफ्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। चित्र आदि भी जो ड्रामा अनुसार बने हैं वही ठीक है, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। मैंने प्रदर्शनी इतनी होती है, पहले होती थी इतनी, अभी तो इतनी यहाँ तो फॉरेन कंट्रीज में नहीं होती है, मगर भारत में आजकल भी होती है। तो बाबा कहते हैं बैठता नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है, बाबा फट से कह देते हाँ भूल है, अल्प को ही नहीं समझा तो फट से रवाना कर दो। परमात्मा के बारे में ही नहीं समझ रहा तो बाबा कहते बाकी चित्रों समझाने की दरकार ही नहीं रखनी है। बोलो क्या जब तक बाप को नहीं जाना तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं, है ना। इसलिए बाप को जानना प्राइमरी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो तो आंखें क्रिमिनल रहती है। आत्मा सिविल तब बनेगी जब अपने को आत्मा समझेंगे। देही अभिमानी होंगे तो फिर तुमको आंखें धोखा नहीं देगी। क्या देखते हैं इन आंखों से, नहीं स्थूल आंखों से तो नहीं, बाबा कहते तीसरी आंख अंदर इंटेंशन क्या है। देही अभिमानी नहीं तो माया धोखा देती रहेगी, इसलिए पहले तो आत्मा अभिमानी बनना है। आत्मा समझेंगे तो शरीर नहीं देखेंगे, धर्म नहीं देखेंगे, भाषा नहीं देखेंगे। बाबा कहते अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े। अगर अभी तक झूठ पाप गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हो। बाबा चार्ट देखकर समझ जाते हैं कि यह सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझा। बाबा को सब पता पड़ जाता है ना, चार्ट लिखते हैं चाहे बाबा के सामने रखे नहीं रखे, मगर लिखते हैं तो कॉन्शियसनेस में तो आ जाता है, तो बाबा सब कुछ समझ जाता है। सब बच्चों को बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, चार्ट लिखना छूट जाता है, कहीं छूट गया हो तो बाबा कहते लिखना फिर से चालू करो, मगर लिखना अवश्य है। बाप की आज्ञा मानेंगे तो क्या होगा, फल जरूर मिल जाएगा। किसका फल, आज्ञा मानने का भी फल होता है। तो बाबा कहते मानो। तो दो दो वीक पहले बाबा की मुरली थे ना, छोटी छोटी बातों में हाजी करते हैं ना, उनका भी पुण्य जमा हो जाता है। बाबा चार्ट देखकर समझ जाते हैं ना, जो बच्चे योग में नहीं रहते वह इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते। जौहर नहीं बढ़ता है, भल बाबा कहते कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते तो दूसरों को फिर कैसे कहेंगे, और कहेंगे तो उनका असर भी नहीं होगा। सन्यासी कहते हैं सुग काग विष्टा समान है, वह सुख का नाम नहीं लेते, उनको क्या चाहिए मुक्ति, सुख की बात नहीं करते। तुम जानते हो भक्ति अथाह है, उसमें कितनी आवाज़ है, तुम्हारी नॉलेज तो बहुत शांति की है। बोलो शांति का सागर तो बाप ही है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। कैसे करना है आत्मा समझ, बाप कहते हैं मन मना भव, यह अक्षर भी नहीं कहो, मन मना भव भी नहीं कहो। बाबा समझाते क्यों, हिंदुस्तान की है हिंदी भाषा, फिर संस्कृत दूसरी भाषा क्यों, क्योंकि मन मना भव संस्कृत वर्ड है। अब इन सब भाषाओं को छोड़ो, तुम पहले पहले तुम भाषण करो तो करो कि अपने को आत्मा समझो। बहुत है जो अपने को आत्मा भी नहीं समझ सकते, याद नहीं कर सकते। मैं चेक करना है अपने घाटे को कोई समझ न सके, बहुत ही डिफिकल्ट है। बाबा कहते अपने घाटे को समझना, खुद को जो नुकसान हो रहा उसको समझना। कल्याण तो है ही बाप की याद में, और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो।
कोई भी सत्संग में चले जाओ, इवन गीता सुनाने वाले भी ज़्यादा इस बात में जाते हैं, पता ही नहीं है। बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ याद करते हैं क्या? अब कहते एक जगह बैठ कर याद करो, उठते सॉरी करते हैं क्या, मतलब उठते बैठते याद करने, उठते बैठते बाप की याद है ही। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी, बाप कहते कर्म योग है। तुम बहुत बोलते हो, इतना बोलना नहीं चाहिए, मूल बात है याद के याद आके। योग अग्नि से ही तुम पावन बनेंगे, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। इस समय सब दुखी है, दुखी है इसलिए तो दुख हरता सुख करता बाप को बुला दे, वरना बुलाए क्यों? इसलिए कहते हैं ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख मिलता ही है पावन बनने से। तुम आत्माभिमानी हो, किसको समझाएंगे? आत्माभिमानी बनकर किसको समझाएंगे? तो उनको तीर लगेगा। कोई खुद विकारी है और किसको कहे निर्विकारी बनो, तो उनको तीर नहीं लगेगा। बाबा कहते हैं इनकी इफेक्टिवनेस नहीं होगी, क्योंकि खुद वो प्रैक्टिकल जीवन में नहीं है। बाप कहते बच्चे तुम खुद याद की यात्रा पर नहीं रहते, इसलिए तीर भी नहीं लगता। तो सेवा होनी चाहिए बाबा की, उस पीढ़ से सेवा नहीं होती। अब बाप कहते हैं बीती सो बीती, अभी तक जो हुआ ठीक है ड्रामा, पहले अपने को सुधारो, दिल से पूछो हम अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं, जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। कोई छोटी बात नहीं, बाबा कहते इतना वो देता है तो याद करना हमारी ड्यूटी बन जाती है, हमारा कर्तव्य बन जाता है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो ज़रूर हमको विश्व का मालिक बनना है। वही एक माशुक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है तो उनके साथ बहुत लव होना चाहिए, लव माना याद, दूसरा कुछ नहीं। यहाँ कोई फिजिकल बॉडी की बात नहीं है। शादी होती है तो स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है, तुम्हारे भी सगाई हुई है शादी नहीं, सुनो बाबा कहते सगाई हुई है शादी नहीं, वह तो जब विष्णुपुरी में जाएंगे, अब कहते हैं पहले पियर घर मतलब परम धाम, फिर ससुर घर मतलब विष्णुपुरी, पहले शिव बाबा के पास जाएंगे फिर ससुर घर जाएंगे। सगाई की खुशी कम होती है क्या? सगाई हुई तो याद पक्की हुई, सतयुग में भी सगाई होती है परंतु वहाँ सगाई कब टूटती नहीं है। ये कैसा है वहाँ? पूरा का पूरा अमर लोक है, अकाले मृत्यु नहीं, ऐसे सगाई टूटने की बात नहीं है। अकाले मृत्यु नहीं होती, यह तो यहाँ होती है अकाले मृत्यु। तुम बच्चों को भी गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। फल बहुत नज़दीक भी रहते हैं फिर भी उन्नति नहीं होती है, जो उस लव से आते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है। बाबा कहते हैं कौन से इंटेंशन से, कौन सी इंटेंसिटी हमारे अंदर है बाबा के प्रति, उनके आधार पर है। याद ही नहीं तो लव भी नहीं रहता, तो उनकी शिक्षाओं को भी धारण नहीं कर सकते। भगवान वाच, कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो कि काम महाशत्रु है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। तुम तो पवित्र सतयुग के मालिक थे, अभी गिर कर फिर गंदे बन पड़े। बाबा सब कुछ याद दिलाता है कि बाबा ने क्या बनाया था, अभी क्या बन, अब यह अंतिम जन्म फिर से पवित्र बनो। कामचिता पर बैठने का हथियाला कैंसिल करो। तुम बच्चे जब योग में बोलेंगे तब किसकी बुद्धि में बैठेगा? बाकी बैठ ही नहीं सकता है। दुनिया वाले भी गीता पढ़ते हैं ना तो कहते हैं काम मां शत्रु, मगर नो इफेक्ट एट ऑल, क्योंकि बोलने वाला सुनने वाला उनको इतना अटेंशन इतना महत्व नहीं देते। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए, बाप ही कर सकता है, दूसरे किसी की ताकत नहीं है। पहले मुख्य है एक बात, बच्चे कहते बाबा हम बहुत मेहनत करते तब कोई मुश्किल निकलता है, बाबा कहते योग में रह कर समझाओ तो निकलेगा।
याद की यात्रा की मेहनत करो। रावण से हार कर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। इसलिए तो बाबा को बुलाया ने, हे पतित पावन आओ। बाप की याद से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते, वही बना सकता है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे अच्छी तरह कैच नहीं करते हैं और बातों में चले जाते। बाबा हमारी कंडीशन क्या है वो सुनाते, और अच्छी तरह कैच न क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि में इतनी धारणा नहीं है, इतना पुरुषार्थ नहीं है। बाबा कहते बार बार आत्माभिमानी बनो तो याद ठहरेगी, उनके जैसा बनेंगे तो आगे चल सकेंगे। मुख्य तो बाप का पैगाम दो, बाबा का परिचय कि बाबा क्या कहता है, परंतु खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे। ठगी नहीं चलेगी, बाबा कहते हैं ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। इसको ठगी कहते हैं, खुद नहीं करते दूसरों को करने के लिए कहते, दूसरों को कहे विकार में नहीं जाओ, खुद जाए तो जरूर दिल खाएगी। ऐसे भी ठग है, इसलिए बाबा कह दे मूल बात है ही अलफ, बाबा ही मुख्य बात है, उनको ही याद करना है। और याद कब आएगी, जब खुद को आत्मा समझेंगे तब। तब तक बाबा कहते यार ठहर नहीं सकते, अलफ को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, अलफ को न जानने से तुम कुछ भी समझ नहीं सके। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले बाप का परिचय। तब तक बाबा ने कहा आगे का चित्र पर जाओ ही नहीं, ले ही नहीं जाओ उनको, जब तक बाप में पूरा निश्चय न बैठे तब तक। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे, पहली पॉइंट, अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर अंदर, अब कहते दिखावा नहीं करना। फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है, सबको एक बाप की महिमा सुनानी। कहते महिमा एक की है पूरे डामा में, वो है बाप बाबा। दूसरी पॉइंट है आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे बाबा कहते हैं तो बन नहीं सकेंगे। बहुत बोलना नहीं है, बीती सो बीती कर, अब तक जो हुआ उसके बारे में भी ज़्यादा चिंतन नहीं कर। इसलिए बाबा कहते हैं बीती को चित होने, पहले स्वयं को सुधारना, दूसरों की बात बाबा कहते जाने तो खुद कितने सुधरे। याद की यात्रा का चच्चा चार्ट रखना है, चार्ट नहीं रखते हैं तो बाबा कहते लिखना शुरू कर दो। आज का वरदान है ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा, ब्राह्मण जीवन है अनुभूति करने का जीवन, अलग अलग प्रकार की अनुभूति, खास करके बाबा संबंध और स्वरूप के बारे में कहते हैं। बाबा के साथ सब संबंध, वैरायटी संबंध, और उसके आधार पर हमारा भिन्न भिन्न स्वरूप। रमणीकता का अनुभव करने वाले, बाबा कहते हैं बैलेंस रखना है हर बात। संपन्न आत्मा भव, बैलेंस रखेंगे तो संपन्न आत्मा बन जाए, गंभीरता और रमणीकता दोनों का बैलेंस। बाबा समझाते हैं जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है ना, हर रोज एक खाना भी हमें पसंद नहीं पड़ता, वैरायटी चाहिए। तो बाबा के आत्मा का ओरिजिनल नेचर है, तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो बाबा के साथ, तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाले संपन्न जीवन है। ब्राह्मण जीवन मतलब सर्व संबंध एक परमात्मा से, उसको ही कहते हैं जीते जी मरना। इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। बाबा के साथ मुख्य तीन संबंध, बाप टीचर गुरु, टोटल 9 संबंध, एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया
तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। इसलिए माता पिता बंधु सखा टीचर गुरु साजन सर्जन और बच्चा, तो बाबा कहते हैं एक भी संबंध में कमी नहीं रखो बाबा के साथ। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है, इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। स्लोगन है बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन। कैसा बनना है? अव्यक्त रूपधारी मतलब फरिश्ता, बाप समान, ब्रह्मा बाप समान, प्रकृति के हर दृश्य को देखो। तो क्या होगा? तो हलचल में नहीं आएंगे, क्योंकि न्यारे बन जाएंगे, सबसे ऊपर उठ जाएंगे, तो हलचल की बात ही नहीं रहेगी। अच्छा, ओम शांति।